नमस्कार फ्रेंड्स, आज मेरे साथ श्री नीलोत्पल बासु जी जो ऑनरेबल पोलित ब्यूरो मेंबर हैं CPIM के, वो हमारे साथ हैं। और ये प्रेस वार्ता केरला पॉलिटिक्स को लेकर के 18 अप्रैल 2019 को आम आदमी पार्टी केरला कन्वीनर श्री नीलकंदन जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वहाँ केरला में, और अनाउंस कर दिया था कि हम कांग्रेस के उम्मीदवारों का साथ दें। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अनऑथराइज था। हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी को बगैर कंसल्ट किया गया उन्होंने किया था। इट वॉज विदाउट नॉलेज एंड ऑथराइजेशन ऑफ PAC ऑफ आम आदमी पार्टी। और उस संदर्भ में आज की प्रेस वार्ता है। आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने फैसला किया है कि ये जो गैर जिम्मेदाराना हरकत आम आदमी पार्टी केरला कन्वीनर ने किया वो बहुत ही निंदनीय है, और उस सिलसिले में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने फैसला किया है कि विद इमीडिएट इफेक्ट ही गेट्स सस्पेंडेड फ्रॉम द प्राइमरी मेंबरशिप ऑफ द पार्टी, एंड फर्दर PAC ऑफ आम आदमी पार्टी हैज डिसाइडेड टू गिव अनकंडीशनल सपोर्ट टू LDF कैंडिडेट्स इन लोकसभा 2019 इलेक्शन। वी ऑल आर अवेयर दैट आम आदमी पार्टी कंटिन्यूज in its full vigor to take this fight against NDA and BJP. In that direction itself, we have decided to send our unconditional support to LDF candidates in Kerala. चूंकि ये आम आदमी पार्टी का पत्रकार वार्ता है, तो इसमें मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं आम आदमी पार्टी के जो नेतृत्व हैं उनके प्रति शुक्रगुजार हूँ। आपने सुन लिया है कि उन्होंने क्या फैसला लिया है, मैं सिर्फ इसके लिए शुक्रिया अदा कर सकते हैं। हम पूरे देश भर में जो चुनाव अभियान में भाग ले रहे हैं, हमारे मकसद पहले भी हम बार बार साफ कर चुके हैं कि हमारा मुख्य मकसद है भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देना, और इसके लिए हम अलग अलग प्रदेशों में प्रदेश की स्थिति के अनुसार हमारी रणनीति तय किए हैं। और मुख्य इसका रुझान है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उनके जो आर्थिक हमला है लोगों के रोटी रोजी के ऊपर, उनका ध्रुवीकरण का जो कोशिशें हैं और उनका जो तानाशाही रूप है, और कुल मिला के देश की संविधान और हमारी देश का कल्पना के ऊपर जो हमला है उसको रोकना जरूरी है। तो इसीलिए हमें बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करेंगे आम आदमी पार्टी को यह फैसला लेने के लिए। और हम इस सिलसिले में इस बात से भी आप लोगों को अवगत कराएंगे कि हमने दिल्ली में ये फैसला किया है कि आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार होंगे उनको हम मदद करेंगे। तो अभी तक तो एक निश्चित क्या रूप होगा, अभी एकदम अंतिम रूप उसका नहीं हुआ है बाद में बोलेगा, लेकिन हमारा स्वतंत्र रूप से प्रचार होगा दिल्ली के अंदर भी, जहाँ पे हम अपना बात को लोगों को